हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल सर। आज आपके लिए 17 सितंबर 2018 रेलवे ग्रुप डी का सारे शिफ्ट का एनालिसिस करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, देखिए इसमें सबसे पहले मैथ, रीजनिंग, रेलवे, करंट अफेयर्स, ये सब तो आपको पता ही होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या है, ये दिया हुआ है घड़ी से रिलेटेड। ये पूछा 6:45 का कोड क्या होगा। 6:45 का कोड हमारा क्या होगा, चलिए घड़ी बनाते हैं। सबसे पहले 6 ये हो गया, 6 हमारे यहाँ होता है, 45 अप्रोक्स यहाँ होता है। तो इसका मतलब ये जो बना 90 एंगल का बना हमारा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप लोग को पता ही होगा x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं फिर से। तो इसको काट देंगे, 15 × 4 = 60 और फिर 15 × 5 = 75। देन 1/5 = 1/x, देन आफ्टर x = 5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, फाइंड ऑड वन। तो इसमें 23 दिया हुआ, 79 दिया हुआ, 37 हुआ है, तो 87 दिया हुआ। देन हमारा इसमें पूछा गया विषम कौन सा है, तो विषम हमारा 87 होगा, बिकॉज ये सारे किसी से भी कटेंगे नहीं और 87 हमारा डिविजिबल है। ओके, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, 9/16 > 13/24, 9/16 = 13/24, 9/16 > 13/24, और एक दिया हुआ 9/16 > 13/24। इसमें पता करना है कि कौन सा रिलेशन आपका सही है, विच रिलेशन इज करेक्ट। ये दिया हुआ 60 * 18% = 54%। तो ये कैलकुलेट करेंगे, 60 × 18/100 and 54 × x/100, ठीक। तो 100 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में यहाँ जाएगा एंड 20 बार में यहाँ जाएगा, देन x = 20। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। अब इसमें ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, हमारा 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। जैसे ब्लू व्हेल हमारा कहाँ रहता है, पानी में रहता है। तो इसका मतलब घोड़ा हमारा कहाँ रहेगा, घोड़ा हमारा जमीन पर रहेगा, जमीन पर, ठीक। एक दिया था कैलेंडर से क्वेश्चन, 21 जनवरी 1988 को किस दिन था। तो कैलेंडर से क्वेश्चन था, ये तो आप लोग कर ही लेंगे। कैलेंडर का जो क्वेश्चन था ये थर्सडे था, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है फिजिक्स से, यानी ओम्स लॉ से। अब ओम्स लॉ तो आप सबको पता ही होगा क्या होता है, V = IR, वेयर V = वोल्टेज एंड I = करेंट एंड R = रेजिस्टेंस। चलिए एक क्वेश्चन था आपके आवर्त सारणी से, न्यूलेट ऑक्टिव आवर्त सारणी से, ठीक है। एक क्वेश्चन था हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 18। जो 18 नंबर का हमारा ग्रुप है आवर्त सारणी में, उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें 7 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन था पीएच वैल्यू से, जो कि ब्लड का पीएच वैल्यू पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है वो घनमूल से क्वेश्चन है। अब पूछा गया है 1331 का घनमूल क्या है। तो सबको पता है कि 11 का हमारा जो घनमूल 11 का क्यूब होता है वो 1331 होता है। इसी तरह 8000 का पूछा है तो ये 20 का होगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको ध्यान से सुनिएगा। ये जो आप चैनल देख रहे हैं सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर से चैनल है, यदि आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जोड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। और यदि आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो प्लीज ये सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से आपको ये होगा कि जो भी हम वीडियो नया अपडेट डालेंगे एंड जो भी ग्रुप डी का नया एनालिसिस डालेंगे वो आपको सबसे पहले मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा मैथ से जो कि पूछा है। देखिए दोस्तों, एक मैथ का क्वेश्चन है जो पूछा गया है 381 का कितना परसेंट है। तो हम लोग मान लेंगे जो 3 है हमारा 81 का x परसेंट है, तो 81 का x परसेंट निकालेंगे 3, ठीक। देन आफ्टर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 27 ही हो जाएगा, फिर x इक्वल टू 100 बाई 27 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3.70 आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था मिनी डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है। तो सबको पता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, मेनका संजय गांधी। कौन है? मेनका संजय गांधी जी। एक क्वेश्चन हमारा पूछा गया था फिल्म से। विवादित जो फिल्म है, विवादित जो फिल्म है हमारा पद्मावत, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का किरदार कौन निभाया है। तो सबको पता है कि रणबीर सिंह निभाए हैं, और एक मूवी निर्जा, अरे एक क्वेश्चन निर्जा मूवी से आया था। इसमें ये पूछा गया था कि इस मूवी से आप क्या समझते हैं, इस मूवी का थीम क्या है। तो सबको पता है कि निर्जा जो थी एक लेडीज थी, और ये वीमेन को इंकरेज करने के लिए ये मूवी बनाया गया है। तो इसमें वीमेन एम्पावरमेंट के लिए ये मूवी बनाई गई थी। फाइंड आउट वन क्वेश्चन नंबर जो 18 है हमारे पास जो आया है, इसमें पूछा गया है फाइंड आउट वन मतलब विषम, इनमें से विषम कौन सा है। तो डॉग है, लायन है, टाइगर है, हेन है। डॉग के 4 लेग्स होते हैं, लायन के 4 लेग्स होते हैं, टाइगर के भी 4 लेग्स होते हैं, बट हेंस के 2 लेग होते हैं। और इसमें से एक चीज और आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जान सकते हैं, डॉग हो गया, कुत्ता हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, जो भी है ये सब हमारे जानवर है, और ये लोग उड़ नहीं सकते, और जो हमारा हेन है ये उड़ सकता है, जिसके वजह से ये हमारा विषम हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसमें हेन होगा, ठीक। एक क्वेश्चन आया था मिरर इमेज से, एक क्वेश्चन आया था ट्रायंगल काउंटिंग से, ठीक है ना। और दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे सिप का क्वेश्चन है जो था, जो 17 तारीख को 17 सितंबर को ग्रुप डी का हुआ था, ठीक है। तो आप लोग अपना मिला लीजिएगा, जिसके जिसके जो जो क्वेश्चन आए होंगे वो मैं बता रहा हूँ, ओके। एक आया था मिजोरम के सीएम, तो आप लोग को तो पता ही होगा अभी मिजोरम के सीएम है वो किस पार्टी से है। तो मिजोरम के सीएम जो है वो लाल थनहोला है, वो कांग्रेस के सीएम, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, वो कांग्रेस से हमारे बिलोंग करते हैं। और एक क्वेश्चन आया था कार्बन का मास कितना होता है। तो कार्बन का जो सिंबल होता है वो सी होता है, और इसका मास जो होता है वो 12 होता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है यानी एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का वो 6 होता है, और इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एक आया था बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा सबको पता है सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है, ठीक। ये पूछा था हीलियम किस ग्रुप का एलिमेंट है। तो सबको पता है हीलियम जो हमारा है अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है, हीलियम अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है, और ये 18वें ग्रुप का एलिमेंट है, 18 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक। एक पूछा था दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा था, तो इसी के साथ साथ हम एक और फॉर्मूला जानेंगे जिसे जिप्सम कहा जाता है। तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O, ठीक है, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। चलिए जिप्सम का तो हमारे पास आया नहीं था पेपर में, शिफ्ट में, और ये सब क्वेश्चन मैं वहां से बता रहा हूँ, जैसे हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग मुझे कमेंट किए हैं व्हाट्सएप पे, मैसेजेस किए हैं कि सर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप प्लीज हमें रिव्यू बताएं, इनका एनालिसिस मुझे बताएं। तो ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ जिप्सम।
जिप्सम होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है CaSO4 होता है इंटू 2H2O होता है, ठीक है ना। CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का होता है। एक है ये बिम्स स्टिक का, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, शायद फिल्म फेस्टिवल नहीं है, ये शिखर सम्मेलन है, बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, ठीक है ना। मुझे मिल गया था गलत क्वेश्चन जो मैंने इसमें नोट डाउन कर दिया था, बट मैं अभी करेक्ट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ तो मुझे याद पड़ गया। बिम्सटेक एक शिखर सम्मेलन है जो नेपाल के काठमांडू में हुआ था, नेपाल के काठमांडू में हुआ था, नेपाल का राजधानी है काठमांडू, वहां पे हुआ था बिम्सटेक का शिखर सम्मेलन। अब चलिए जानते हैं, एक क्वेश्चन आया था गवर्नर से, असम के गवर्नर कौन है। तो सबको पता है कि असम के गवर्नर जो है जगदीश जी हैं, इनका पूरा नाम जगदीश मुखी है। चलिए एक क्वेश्चन आया है जो 28 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास पहुंचा है, ये पूछा गया है कि जो कोनार्ड सगमा जी हैं ये क्या है, तो ये क्या है, कहाँ के हैं, ये जो कोनार्ड सगमा जी हैं ये हमारे सीएम हैं, कहाँ के हैं, मेघालय के सीएम हैं कोनार्ड सगमा जी हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 29 है ये पूछा गया है जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनका जो रेट होता है, यानी जो उनका धड़कन होता है, हार्ट रेट होता है, हार्ट बीट होता है, वो कितना होता है। तो नवजात जो बच्चे होते हैं उनका जो दिल होता है 40 से 60 बार धड़कता है, और जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो युवा हो जाते हैं, उनका 72 बार धड़कता है, ये तो सबको ही पता होगा। चलिए क्वेश्चन ये है कि इसमें फिल करना है किस प्लेस पे क्या आएगा, चलिए देखते क्वेश्चन क्या है। 34, 45, 57, 70 एंड व्हाट इज द नेक्स्ट। तो 34 में हम 11 ऐड करेंगे तो 45 होगा, 45 में 12 ऐड करेंगे तो 57 होगा। 11 यहाँ पर ऐड किए, यहाँ पर 12 ऐड किए, यहाँ पर 13 ऐड किए, और यहाँ पर जब 14 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू 84 आएगी, जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। एक आया था डोबनियर आवर सारणी से, तो मैं बताना चाहूंगा जो डोबनियर जी थे हमारे, सबसे पहले आवर सारणी बनाए थे, तो पहला आवर सारणी आया था केमिस्ट्री में वो सबसे पहले हमारे डोबनियर साहब ने बना के दिए थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन था फॉरेन से, तो फॉरेन का क्या क्वेश्चन था, पीएम ऑफ जापान, जापान के पीएम हमारे कौन है। तो जापान के पीएम काफी टाइम से वही है जो अभी है, उनका नाम है सिंजो अबे नाम है, वो है जापान के पीएम है हमारे, सिंजो अबे सर है, ठीक है। एक आया था गवर्नर ऑफ सिक्किम के गवर्नर है कौन है, गंगा प्रसाद जी हैं। ये अभी रिसेंट में चेंज हुए हैं, 26 अगस्त 2018 को ही रिसेंट में चेंज हुए हैं। चलिए दोस्तों, अभी आप लोग जो देख रहे थे ये हमारे पास क्वेश्चन आए थे जिनका मैंने अभी एनालिसिस किया। यदि आप लोग चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो, क्वेश्चन एंड आंसर, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, एसएमएस करें, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।